दोस्तों ने ही की दोस्त की हत्या। जी हां, आपने सही सुना, मामला फरीदाबाद के नचौली गांव का है, जहां बीती 8-9 अक्टूबर की रात्रि को बर्थडे पार्टी मनाने के दौरान चार दोस्तों के साथ अनीश की बहस हो गई थी। बहस इतनी बढ़ गई कि चार दोस्तों ने अनीश की लाठी डंडों के साथ इतनी पिटाई कर दी कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जैसे ही चारों दोस्तों ने देखा कि अनीश मौके पर मर चुका है, तो वह वहां से भाग गए। दोस्तों के द्वारा इस हत्या की वारदात को जिसने भी सुना, वह सन्न रह गया। पुलिस भी इस मामले को लेकर लगातार आरोपी दोस्तों की तलाश में जुटी रही और आखिरकार चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। 8 और 9 तारीख को एक मर्डर हो गया था भूपानी थाने के एरिया में। कुछ दोस्त नचौली गांव में अपना बर्थडे मना रहे थे, जिस दौरान उनकी आपस में कहासुनी और लड़ाई होगी, जिस कारण एक लड़के की मौत हो गई थी, अनीश नाम के लड़के की। तो कल पुलिस ने काफ़ी तत्परता दिखाते हुए चार जो मुजरिमों को उसमें गिरफ्तार कर लिया है, मनुष, अशोक, अश्विनी और मुकेश को। इसमें मुकेश के खिलाफ चार आपराधिक मुकदमे पहले भी दर्ज हैं। फैमिली बैकग्राउंड तो गांव से ही थे, ये खेड़ी कला जिससे हैं और अपना फरीदपुर गांव से हैं, तो वैसे ही। इसमें मर्डर का केस है, 302 की धारा लगी हुई है, साथ में 147 50 सब लगे हैं। दुश्मनी नहीं, बर्थडे मना रहे थे, आपस में दोस्त थे, तो उसी टाइम कहासुनी हुई और फिर बाद में वही लाठी डंडों से मार दिया। बाद में हॉस्पिटल भी लेके गए थे दूसरे दोस्त उसको, पर वहाँ उसकी डेथ हो गई।